हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए थोड़ा रेडी शेडी हो गए हैं और चल रहे हैं न्यू ईयर में। हम लोग नहीं गए 1 तारीख को, तो आज संडे है तो चलते हैं। आज थोड़ा सा पार्टी सार्टी करके आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर जगह जाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। और यहाँ पर प्रीति भी रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से बोलिए। हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पर शिवा भी रेडी हो रहा है। आप पीटी पापा आ रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे शिवा, हेलो। तो अभी कपड़ा पहन रहा है, तो चलिए अभी निकलते हैं। पीटी पापा आ जाए फिर दिखाते हैं और आप सब लोग भी बने रहिएगा। बहुत बहुत सुंदर लगने वाला है। यहाँ पे निकल गए हैं और बैठ गए हैं गाड़ी में। और यहाँ पे हम लोग 3 जन बैठ गए, शिवा बैठा है आगे। तो चलते हैं और यहाँ का व्यू देखिए। ये है गुवाहाटी सिटी और बहुत यहाँ पे भीड़ होता है, ट्रैफिक होता है। और यहाँ पे देखिए शिवा। तो चलते हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है व्यू। बाहर पहाड़, जंगल, ये सब बहुत है यहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप सब भी इंजॉय करिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं बालाजी मंदिर। और ये देखिए सब लोग, रितिका, ए पीटी। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, चलिए दिखाते हैं बैक कैमरा करके। ये देखिए बालाजी टेंपल गुवाहाटी, बहुत खूबसूरत पार्क भी है इधर। बैठेंगे, दिखाएंगे सब। ए पीटी थक गई गाड़ी में, गाड़ी में आके उसको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग मंदिर के सामने पहुंच गए हैं और हम लोग अभी चलेंगे। अभी जूता ये सब खोल देंगे, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए जूता रख देते हैं। यहाँ पे 1-2 रुपया ही लेते हैं जूता खोल के रखने के लिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में पानी का है, तो यहाँ पे धो लेते हैं पैर हाथ। पीटी को भी धुला देती हूँ। और यहाँ पे मिलता है लड्डू प्रसादम, तो यहाँ का लड्डू बहुत टेस्टी होता है, बालाजी का जो लड्डू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़ कितना प्राइस का है सब कुछ। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर अभी जाके और हम लोग पूजा करके आएंगे। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी कैमरा, मोबाइल, वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे तो अंदर जाएंगे और अंदर भगवान जी का बहुत खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर है और साइड में दुर्गा मैया है, और इसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी मैया है, माँ पद्मावती। तो बहुत सुंदर लगा दर्शन करके, इतना खूबसूरत कि मतलब क्या ही बताए, मन बहुत शांत हो गया है। तो पूजा करके हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे रुकेंगे हम लोग शाम तक। अभी 3 बज रहा है तो हम लोग शाम तक रहेंगे। तो यहाँ शाम का भी व्यू आप सबको दिखाऊंगी मैं, तो देख लीजिए। यहाँ पे मंदिर से आ गए हैं बाहर, देखिए पापा किधर गए। आप ही तो चलिए जूता पहन लेते हैं, चलते हो। आइए आइए पिटू। अभी पूजा करने के बाद तो बाहर आ गए, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। ये पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठेंगे धूप में, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बैठेंगे और प्रसाद जो लिए हैं लड्डू वो खाएंगे। और यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, प्रीति खेल रही है। हाँ, लाल हो जाने से मीठा लगता है। आप बैठते हैं, बैठ के प्रसाद खाते हैं थोड़ा सा।
ये यहाँ का प्रसाद है नित्या, लड्डू प्रसादम बहुत टेस्टी नाम है पर प्रसादम, लड्डू प्रसादम बालाजी लड्डू प्रसादम। ए प्रीति यहाँ पार्क में खेल रही है देखिए, और यहाँ पे मंदिर देखिए बहुत सुंदर व्यू, यहाँ पे सूर्य देव भी दिख रहे हैं। मंदिर खुलेगा 4 बजे और यहाँ पे प्रीति का पापा गाना क्यों ला गाना कॉपीराइट आ जाएगी। और ये सीवा क्या फेंक रहे हो, मत फेंको, पार्क में नहीं फेंकते गंदा कुछ भी ना नहीं करते। तो देख लीजिए फैन कितना सुंदर व्यू है, और दूर पहाड़ दिख रहा है, और ये सूर्य सब लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन, कोई कोई लेके आए लोग गेम खेला रहा है सब। अच्छा जगह बता दो पीटो, ए लग गया, लग गया, चोट लग जाएगा सिर, नहीं वो धीरे धीरे। अभी तो पीटो कैसा लग रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, मजा कर रही है पीटी। लग गया तो यहाँ पे बैठे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पीटी के पापा भी मोबाइल टिप रहे हैं, और मंदिर खुलेगा शाम को 4 बजे। मंदिर तो खुले ले बाबू, उन्हें कुछ बोला था ना, हुई जा मंदिर तो खुले ले बाबू, हुई जा वाला चार ऊपर ले लो करने की तो पूजा। वहाँ पे चलते हैं चाय वाय थोड़ा कॉफी सब के देखते हैं ना, कॉफी मिली तो पी लो। चलो तो बहुत देर बैठे थे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो चलते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का है जिसमें कि साउथ इंडियन डिश मिलता है बहुत टेस्टी टेस्टी, तो चलते हैं देखते हैं क्या मिलेगा, तो खाएंगे और कॉफ़ी पियेंगे। तो देखिए यही है, और यहाँ पे बहुत टेस्टी है इडली डोसा, जो जो मतलब साउथ इंडियन खाना यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कर दिए हैं इडली और ये डोसा, तो देखिए 3 प्लेट डोसा और 1 प्लेट इडली, तो सोचा कि इडली 1 प्लेट ले लेते हैं फिर खा के टेस्ट करेंगे कैसा है। तो यहाँ पे प्रीति ने लिया है डोसा और मैंने इडली ऑर्डर किया है, और शिवा पापा ने भी डोसा, सब ने डोसा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सांभर चटनी बहुत टेस्टी, मज़ा आया खा के एकदम से, और एक जूस लिए हैं माजा। तो चलते हैं खा लेते हैं इंजॉय करते हैं, आ जाइए आप सब भी। इडली भी खाओ बहुत टेस्टी है, खाइए साउथ इंडियन डिश यहाँ पे मिलता है। हेलो पीके दे, तो फ्रेंड्स मस्त खाने के बाद, और अब यहाँ पे पी रहे कॉफ़ी, कॉफ़ी पी के फिर चलेंगे मंदिर में, शाम को पूजा होगा 4 बजे। तो फ्रेंड्स हम लोग 4 बजे तक वेट करेंगे शाम का पूजा शुरू होने से, तो यह उसके बाद का ब्लॉग में कल आप सबको दूंगी। तो चलिए मिलेंगे कल इस अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।